दुनिया भर में रामकथा वाचक के तौर पर मशहूर संत मुरारी बापू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 5 करोड़ रुपए का दान करेंगे। बापू ने यह ऐलान गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तल गाचड़ा आश्रम में चल रही ऑनलाइन कथा के दौरान किया है। बापू ने कहा है कि वो जिस किसी भी शख्स को इशारा करेंगे वो अकेले ही इतना पैसा प्रभु के लिए अर्पित कर सकता है। हालांकि उनकी इच्छा यह है कि ढेर सारे श्रद्धालुओं के थोड़े थोड़े पैसे जमा कर श्री राम के चरणों में अर्पित करें। राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इस फहरिस्त में दुनिया भर के मशहूर कथावाचक और जाने माने संत मोरारी बापू भी शामिल हो गए हैं। भगवान राम पर अटूट विश्वास रखने वाले मोरारी बापू ने मंदिर के निर्माण के लिए दिल खोल कर दान दिया। ऑनलाइन कथा के दौरान मोरारी बापू ने 5 करोड़ रुपए अर्पित करने की बात कही है। हमारा विशुद्ध मनोरथ पूरा करेगा नीलेश, 5 करोड़ रुपया भेजेंगे। हे ठाकुर, तेरे चरणों में मेरी कथा सुनने वाले जो भी सबसे लेना है, यदि मैं किसी को संकेत करता तो कोई अकेला भी कर सकता है, लेकिन नहीं, जो जिसको करना है वो सब, लेकिन सीमा तय करते हैं। 5 तारीख को निर्माण होने वाला, प्रारंभ होने वाला राम मंदिर में ये विराग वट से 5 करोड़ का तुलसी पत्र पहले यहाँ से समर्पित किया जाए, ठाकुर जी कबूल करें। इस समय गुजरात के तलगाजड़ा में मोरारी बापू की ऑनलाइन कथा चल रही है। कथा के दौरान ही उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के भूमि पूजन का जिक्र किया। मोरारी बापू ने चित्रकूट धाम गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तलगाजड़ा में भी भगवान ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र के रूप में 5 लाख रुपए अर्पित करने की बात कही। सर्वधर्म संभाव की बातें करने वाले मोरारी बापू के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक समय में वो राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय थे। दुनिया भर में उन्हें चाहने वाले लोग हैं। हिंदू संत होने के बावजूद मोरारी बापू अपनी राम कथा में बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म की बात करने से हिचकाते नहीं हैं। कैलाश पर्वत की तलहटी, कच्छ की दरगाह के पास और बनारस में शमशान घाट के पास राम कथा का आयोजन करने वाले मोरारी बापू ने ब्रिटेन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ओमान, जाम्बिया, तंजानिया में भी राम कथा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।